नमस्कार। आज का हमारा विषय है तुरई। तो आज हम देखेंगे आयुर्वेद में तुरई के क्या गुण कहे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शीतल होती है, यानी ठंडे नेचर की होती है, और इसमें मधुर रस पाया जाता है, मीठा रस। ये पित्त को दूर करती है, यानी शरीर में गर्मी को दूर करती है। तो जितने भी पित्त संबंधी रोग हैं, जैसे आपको अगर एसिडिटी है या खट्टी डकारी आना या ये मुंह से दुर्गंध आना, ये सब पित्त रोगों के कारण होता है। तो आप इन सब कंडीशन में तुरई को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये किंचित वात कारक है, यानी हल्की सी वायु को शरीर में बढ़ाएगी, हल्का सा शरीर में ड्राइनेस लाएगी, रूखापन लाएगी। और ये कफ कारक है, यानी क्योंकि ठंडे नेचर की है और मीठे रस का इसमें सम्मेलन है, तो ये कफ को बढ़ाएगी, यानी नज़ला, ज़ुकाम, सर्दी, बलगम, इन सब कंडीशंस को सूट नहीं करती। लेकिन आयुर्वेद में चरक ऋषि ने संयोग और संस्कार दो शब्दों का प्रयोग किया, यानी फूड प्रोसेसिंग और फूड कंबाइनिंग के ज़रिए हम जो फूड आर्टिकल्स हैं उनको अपने लिए सूटेबल बना सकते हैं। यानी तुरई को जब बनाएं तो जैसे इसमें घी और तेल का तड़का लगाते हैं हम सब्जी बनाते वक्त, तो फिर ये वायु नहीं करेगी। और अगर इसमें हम जैसे मसाले डालते हैं, थोड़ी काली मिर्च मिला लें, थोड़ी सौंठ मिला लें, अजवाइन मिला लें, तो ये कफ को भी नहीं बढ़ने देगी। तो इस तरीके से कंबाइन करके चीज़ें हम इसको तुरई को खा सकते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ किसी को भी ख़राब नहीं करेगी, सबको बैलेंस रखेगी। ये दीपन करती है, यानी अग्नि को बढ़ाती है, यानी इजी टू डाइजेस्ट है, आसानी से आपको हजम हो जाएगी। ये रुचिकारक लगती है, स्वाद लगती है, और ये वीर्यवर्धक भी है, यानी स्पर्म्स को इंक्रीज करती है। ये शरीर को ताकत देती है। अगर आपको बुखार है उस कंडीशन में भी आप तुरई को खा सकते हैं, ये ज्वरनाशक है। ये श्वास रोगों में भी लाभकारी, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपको दमा, अस्थमा, इन कंडीशंस में भी तुरई को अपनी डाइट में इंक्लूड आप कर सकते हैं। खांसी में भी ये आपको फ़ायदा करेगी, वो आप अपनी डाइट में खांसी के वक्त इसको खा सकते हैं आराम से। कृमि नाशक भी है, यानी पेट में कीड़ों को भी नाश करती है। और ऋषि कहते हैं कि ये शाक में, यानी सब्जियों में ये श्रेष्ठ है। और राजनिघंटु में इसे कहा गया कि ये पथ्य है। पथ्य यानी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट, एक ऐसी खाने की वस्तु जो आप डेली लाइफ में एज अ हैबिट इसको इंक्लूड कर सकते हैं, आप रेगुलरली इसको खा सकते हैं, इससे आपको कोई हानि की संभावना नहीं है। जैसे हमने देखा कि हल्का सा वायु को बढ़ाएगी, लेकिन घी और तेल में अगर आप इसको पकाते हैं तो ये वायु को भी जो है कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे मसाले डालते हैं गर्म, जैसे काली मिर्च, सौंठ वगैरह, तो ये कफ भी नहीं करेगी, तो ये तीनों दोषों को बैलेंस कर देगी। और क्योंकि ये दीपन है, ये पचने में भी ये आसान है, लघु है, ईजिली डाइजेस्टेबल है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं तुरई के, तो इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।